एक ओर जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीहोर जिले में वन विकास निगम ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। वन विकास निगम सीहोर ने वर्ष 2022 में करोड़ों रुपए की लागत से सीहोर जिले के अलग अलग परिक्षेत्र कक्ष क्रमांकों पर सागौन सहित अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए थे। उन स्थानों पर अब पौधे नहीं हैं और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उन स्थानों पर गड्ढे भी नहीं हैं और ना ही गड्ढों के अंदर पौधे हैं। वर्ष 2022 में परियोजना परिक्षेत्र आष्टा में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर 7 लाख पौधे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय 2024 में अब इस स्थान पर पौधे की संख्या केवल 3,25,548 है। मतलब अब 3,74,052 पौधे नहीं है, जबकि सरकार वन विकास निगम को प्रत्येक पौधे की सुरक्षा के लिए इसकी राशि भी अदा करती है। इसी के साथ परिक्षेत्र इछावर में भी 8,96,000 पौधे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल 2,45,335 हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद भी इस भ्रष्टाचार में दोषी वन विकास निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीहोर राजीव गुजराती ने कहा कि वन विकास निगम के पास हर साल लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य आता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार वन विकास निगम को अच्छी राशि भी देती है, लेकिन बीते कई वर्षों में इन मामलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ कमी कुछ जगहों पर पाई गई थी, और वो रिपोर्ट जो पाई गई थी वो शासन को रिपोर्ट कर दी गई है, और जो भी उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने का है प्रोसीजर, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें जितने संबंधित लोग थे, अभी एग्जैक्टली हमें फिगर तो नहीं याद है किसको किसको जारी किया, लेकिन जितने भी संबंधित थे वो जिस लेवल पर जारी होना चाहिए उस लेवल पर जारी करने की कार्रवाई चल रही है।